दीपावली से पहले जियो के तरफ से तमाम जियो के ग्राहक को एक जोरदार झटका दिया गया है। अब जियो को ग्राहक को प्रति कॉल 6 पैसे चार्ज लगेंगे। ये चार्ज IUC के चार्ज लगेंगे, इंटरकनेक्टेड यूजर्स चार्जेस, जो कि 6 पैसे प्रति मिनट होती है, जो कि भारतीय टेलीकॉम अथॉरिटी ट्राई ने लागू किए थे। जब भी हम किसी टेलीकॉम यूजर पे जब कॉल करते हैं तो उसको, जिस यूजर ने कॉल किया उसको 6 पैसे प्रति कॉल देना पड़ता है। जियो का कहना है कि जितने भी 2G फोन के यूजर हैं वो मिस कॉल जियो के यूजर पे मारते हैं और इसके बदले में कॉल का चार्जेस जियो को उस 2G यूजर वाले ऑपरेटर को देना पड़ता है। इसलिए ये लाना पड़ा क्योंकि पिछले 3 साल में 13,000 करोड़ रुपया केवल इस तरह के 2G यूजर ऑपरेटर के लिए जियो ने पे किए थे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो। नमस्कार, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बस 2 मिनट लेना चाहते हैं। ये मुद्दा है IUC यानी इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जेस का। IUC ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तय किया हुआ एक चार्ज है। ये 6 पैसे प्रति मिनट की दर से उस ऑपरेटर को मिलता है जिस पर इनकमिंग कॉल आई है। ये उस ऑपरेटर को देना पड़ता है जिससे आउटगोइंग कॉल गया है। हम दूसरे ऑपरेटर्स को 3 साल में नेट कोई 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का IUC शुल्क दे चुके हैं। ट्राई ने पहले कहा था कि 1 जनवरी 2020 से IUC शुल्क पूरी तरह से हट जाएगा, लेकिन अब ट्राई अपने ही इस फैसले पर दोबारा विचार कर रही है। जियो दूसरे नेटवर्क को IUC के नाम पर यह सब्सिडी हमेशा तो नहीं दे सकता, इसीलिए बड़े भारी मन से हमने एक फैसला किया है। वो ये कि IUC के खत्म होने तक ये 6 पैसे प्रति मिनट का चार्ज आपके यानी ग्राहकों के खाते में डाला जाए और आपको जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा उसके एवज में जियो आपको इसके बराबर का ब्रॉडबैंड डेटा पूरी तरह फ्री देगा। हमारे सभी मौजूदा टैरिफ प्लान्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। साथ ही जियो से जियो पर होने वाले फिक्स्ड और मोबाइल कॉल्स, सभी लैंडलाइन कॉल्स और सभी इनकमिंग कॉल्स पहले की तरह ही हमेशा फ्री रहेंगे। इसमें सिर्फ एक ही फर्क आएगा, वो ये कि 10 अक्टूबर 2019 के बाद जब भी आप रिचार्ज करेंगे आपको दूसरे नेटवर्क्स पर आउटगोइंग कॉल्स करने के लिए IUC टॉपअप वाउचर खरीदना पड़ेगा। ये मजबूरी में उठाया गया एक अस्थाई कदम है। जैसे ही 6 पैसे प्रति मिनट का ये रेगुलेटरी IUC शुल्क ट्राई खत्म कर देगा, हम भी इसे वापस ले लेंगे। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।